हमारे डांस कंपटीशन है, बच्चे हमारे टीचर से डांस पार्क स्कूल लियाकत कैंपस और ये सब कैंपसों में हमारे फंक्शन हो रहे हैं। हमें इधर बहुत इंजॉय आ रहा है और हमारे स्कूल का नाम द स्पायर स्कूल लियाकत कैंपस है। मेरा नाम अली फरहान है। दि स्पार्क स्कूल लियाकत कैंपस में जश्न आज़ादी की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में CEO सर इमरान अली अंसारी, मैनेजिंग डायरेक्टर सर दानिश सुभानी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर सर हसन मुर्तज़ा अंसारी, प्रिंसिपल मिस अक्सा कमल, वाइस प्रिंसिपल मिस इकरा सलीम, एडमिनिस्ट्रेटर मिस पलवशा समेत दीगर असातिज़ा और तलबा व तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में मुख्तलिफ क्लासेस के तलबा व तालिबात ने मुख्तलिफ टैबलोस पर शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और तकरीब को चार चांद लगाए। इसके अलावा मिली नकमे पेश किए गए और तहरीक पाकिस्तान और आज़ादी से मुतालिक तकरीर की गई। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा व तालिबात में शील्ड और सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। पार्क स्कूल लियाकत कैंपस आज स्कूल में 14 अगस्त के हवाले से एक छोटी सी तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें स्टूडेंट्स ने बहुत बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया। उन्होंने रिप्रेजेंट किया अपने पाकिस्तान मुल्क को और बहुत इंजॉय कर रहे हैं बच्चे। और हमें इस तरीके के इवेंट्स करते रहना चाहिए जिसमें पाकिस्तान के हवाले से भी बताया जाए, जैसे 6 सितंबर है और बहुत सारे ऐसे डेज़ होते हैं जो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, ताकि हमारे आने वाली जनरेशन को ये मालूम रहे कि हमारा मुल्क जो इतनी कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ है वो कैसे हासिल हुआ है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सर हसन मुर्तज़ा अंसारी साहब, जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं इस पार्क स्कूल के, कि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम इस कैंपस में भी एक छोटी सा इवेंट रख सकें। थैंक यू। इस पार्क स्कूल लियाकत कैंपस में आज 14 अगस्त जो है मनाई जा रही है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमें आज़ादी का दिन मनाने का मौका मिलता है हर साल। और हमारे स्कूल में जो है आज 14 अगस्त का फंक्शन भी है, जिसमें बच्चों ने बहुत जोश के साथ जो है हिस्सा लिया है। और इस तरीके के जो है प्रोग्राम होने चाहिए 14 अगस्त के लिहाज से, ताकि बच्चों को अवेयरनेस हासिल हो और ये मालूम हो कि हम 14 अगस्त क्यों मनाते हैं। और इससे जो है बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज़ होता है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, आई एम मिस पलवशा, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिस पार्क स्कूल लियाकत कैंपस। टुडे वी आर सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। आज हमारे स्कूल में 14 अगस्त का सेलिब्रेट किया जा रहा है। हमारे बच्चे और बच्चों ने बहुत जोश और जज्बे से पार्टिसिपेट किया है। टीचर्स ने भी बहुत मेहनत की है, बच्चों ने भी बहुत मेहनत की है। और हमें हर साल इसी तरीके से जोश और जज्बे से पाकिस्तान डे सेलिब्रेट करना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। माशाल्लाह से स्पार्क स्कूल लियाकत कैंपस लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 8 में 14 अगस्त के हवाले से हमने इवेंट मुनक्किद किए गए या और इसमें बच्चे जो है वो अपनी अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और अपनी परफॉर्मेंस में बच्चे हमें यही पैगाम दे रहे हैं कि वतन जो है वो घर की तरह होता है। सो वतन से मोहब्बत करना हमारे ईमान का रुकन है। सो मेरा मैसेज यही है 14 अगस्त के हवाले से कि अपने इस वतन से, धरती माँ से मोहब्बत कीजिए। फंक्शन रखने का मकसद ये था कि बच्चों के अंदर जो एबिलिटी है टैबलोस वगैरह की, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, उनको पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में बताना और जितनी भी हमने कुर्बानियाँ दी हैं उसके बारे में हमारे जो यंगर जनरेशन है उनको समझ लें कि इन्फॉर्म करना। इंडिपेंडेंट डे का सेलिब्रेट करने का मकसद यही है, बुनियादी मकसद यही है कि पाकिस्तान किस कुर्बानियों से हासिल किया गया है और पाकिस्तान को किस मकसद के लिए हासिल किया गया है, वो बच्चों में शौर उजागर करना कि पाकिस्तान को आगे क्योंकि बच्चे ही पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, आगे इन्हीं ने पाकिस्तान की भागदौड़ संभालनी है। तो हमें बच्चों को बताना पड़ेगा कि पाकिस्तान ने कितनी कुर्बानियाँ दी। तकरीबन 6 लाख लोग पाकिस्तान जब बना था तो 6 लाख लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी लगभग। आज हम यहाँ पर सब जमा हुए हैं 14 अगस्त का फंक्शन मनाने के लिए। हमारे स्कूल के बच्चों ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, छोटी क्लास के जूनियर कैंपस के भी बच्चे जो हैं वो यहाँ आए हैं और उन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है, टीचर्स ने, यहाँ के कोऑर्डिनेटर ने, यहाँ के वाइस प्रिंसिपल, यहाँ के प्रिंसिपल सब ने मिलकर एक टीम वर्क किया है।